इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, लेकिन भाई हमारा पाकिस्तान जो है वो चल रहा फॉर्म में। नसीम जब आता है ना, शुभमन गिल बैट टैप करते रहता है, पीछे रिजवान के हाथ में बॉल चली जाती है। एशिया कप जो चल रहा है हमारा, बड़ा धमाकेदार चल रहा है। इसमें एक बिल्कुल अनकम्प्लीट रह गया था हमारा मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा है। पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह। Hey, what's up guys? Assalamu alaikum. I am Mohammed Hazan and you are watching A to Z King. भाई रात में बन रहा है आज व्लॉग और क्रिकेट कंटेंट। अच्छा, आपने हमेशा दोपहर में देखा होगा लेकिन आज बन रहा है वो रात को, रात में लगाए हुए सन ग्लासेस। बात करेंगे यार एशिया कप की, और एशिया कप जो चल रहा है हमारा, बड़ा धमाकेदार चल रहा है। बात तो सही है। इसमें एक बिल्कुल अनकम्प्लीट रह गया था हमारा मैच, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आगे जो मैच आने वाला है उसमें जो सीन होने वाले हैं भाई, उसके लिए अवाम है बड़ी बेताब। तो उस अवाम में से, इस कराची की बेताब अवाम में से दो बेचारे शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। ये बैठा हुआ, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। तो भाई क्या बोलना चाहोगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप, बताओ कौन जीत रहा है? पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा है। पाकिस्तान जीत रहा है इंशाल्लाह। कितने मार्जिन से जीतेगा? जीत जाएगा, अच्छा जीत जाएगा। अच्छा जीत जाएगा। अच्छा कौन सा प्लेयर है जो ज्यादा अच्छा खेलेगा? शाहीन शाह अफरीदी ले जाएगा भाई। क्या कहता है फिर, इंडिया की तरफ से कौन खेलेगा? अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नो डाउट, लेकिन भाई हमारा पाकिस्तान जो है वो चल रहा फॉर्म में। नसीम जब आता है ना, शुभमन गिल बैट टैप करते रहता है, पीछे रिजवान के हाथ में बॉल चली जाती है। वो जब शाहीन ने रोहित को बॉल मारा, अंदर विराट की शक्ल देखी नहीं? कैसे देखी थी शक्ल? यूं हैरान रह गया विराट की। भाई हमारे जो 20 साल के लड़के हैं ना, उनके 40 साल के लड़कों को ऐसे पलट सकते हैं, ऐसे ऐसे इन स्विंग, ऐसे आउट स्विंग, पता ही नहीं चलता बॉल कहाँ जा रही है। नसीम को तो टिप्पा खाता है। नसीम यार, नसीम यू आर ब्यूटी यार। नसीम तेरी पप्पी ले लूं तू अगर कराची आ जाए तो। तो भाई क्या बोलना चाहोगे, हमारी पाकिस्तान की आवाम जो देख रही है, इंडिया तक भी हमारी वीडियो जाती है, तो इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कौन सा सीन है जो स्पेशल लगने वाला है इस बार? कौन सा टाकरा ऐसा है जिसको आप देखना चाहोगे? रिजवान की छलांगे यार, मैं जो बेताब हूँ। देखो रिजवान की छलांगे, सुपरमैन रिजवान। तो हम जो देखना चाह रहे ना, बुमराह जो है, बुमराह जो फिलहाल गुमराह हुआ था पिछले सालों में, उसको इंजरी हुई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार उसको हमारा चाचा इफ्तिखार धोए। बहुत धोएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चाचा वर्सेस बुमराह अगर मुझे देखने को मिले तो यार मैं बहुत शौक से देखूंगा। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें पाकिस्तान इंडिया में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो टाकरे में अच्छा लगेगा? मोहम्मद सिराज वर्सेस बाबर आजम। सिराज वर्सेस बाबर आजम, तू बता भाई। भाई अपन तो शाहीन शाह अफरीदी के फैन। शाहीन शाह के फैन? जी हाँ। तो शाहीन शाह किसको पागल करेगा इंडिया के बैट्समैन में सर? मेरे को लगता है इस बार वापसी विराट कोहली को कर देगा। कर देगा? विराट को आउट करेगा? हाँ, विराट कोहली अब नहीं है, वो बात नहीं है विराट कोहली में। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो तुम जी। हाँ, मैं जानते हैं, हाँ, पाकिस्तान का प्लेयर जब तक अच्छे आए हुए हैं, माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल भी इंशाल्लाह देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। भाई पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो करती है बहुत ज्यादा प्यार, और प्यार इस कदर करती है कि एक गाना बना था, आपको भी याद होगा, कि तुम जीतो या हारो, जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और ये गाना जिसने लिखा था ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ आज तक, क्योंकि भाई जब भी हारते हैं यही गाना चला दिया जाता है कि जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन देखा जाए तो लास्ट टाइम पिछले जितने भी मैच गए इंडिया पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है माशाल्लाह। तो भाई मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार रखो, सपोर्ट रखो, और एशिया कप देखते रहो। और इस एशिया कप में कौन सा आपको मैच अच्छा है जो पसंद है, लाजमी कमेंट करना। बोल दो भाई, अल्लाह हाफिज़।